दुल्हन को गिरफ्तार किया है, जो शादी के दूसरे दिन ही अपने ससुराल से सारा कीमती सामान और जेवर लेकर फरार हो गई थी। मुरादाबाद के रहने वाले योगेश की शादी इस महिला के साथ हुई थी। योगेश और उसके परिवार ने महिला के खिलाफ थाने में लूटपाट की शिकायत दर्ज करवाई थी। योगेश नामक एक व्यक्ति है, 12 दिसंबर को उसने शादी की एक महिला के साथ और शादी के दूसरे दिन महिला का एक मायके से तथाकथित भाई बनकर एक व्यक्ति आता है और उसको मोटरसाइकिल पर बैठाकर वहां से लेके चला जाता है, इस बहाने से कि उसके मायके में उसके दूसरे भाई की तबीयत बहुत सीरियस हो गई है। इस पर तथाकथित जो दूल्हा योगेश था जिसके साथ शादी हुई थी, जब उन्होंने अपने घर को देखा तो उनके घर से काफी सामान गायब था। छानबीन के दौरान यह भी प्रकाश में आया कि रामपुर में एक व्यक्ति के साथ, अमरोहा जनपद में गजरौला में एक व्यक्ति के साथ, हरियाणा में रहने वाले एक व्यक्ति के साथ इस प्रकार के शादी के बहाने धोखाधड़ी और उनके यहाँ से सामान को चोरी करने की घटनाएं इनके द्वारा की जा चुकी हैं। ये कोई शादी करने के इच्छुक व्यक्ति हैं, उनको पहले इनके एक दो रिश्तेदार इस गैंग में और सम्मिलित हैं, जो उसको तलाश करके बुलाते थे, लड़की से बात कराते थे, दिखाते थे, तदोपरांत उसकी शादी करा दी जाती थी। शादी के पूर्व में कुछ पैसे ले लिए जाते थे और शादी होने के बाद से उसके घर में जो यदि कोई सामान कीमती रखा है या पैसे रखे हैं तो धीरे धीरे उसको भी वहां से गायब करते रहते थे। लड़की का जो पकड़ा गया है तथाकथित रूप से, वो वर्तमान में उसका पति बताया जाता है कि विगत 2 वर्षों से उसके साथ में पति के रूप में वह रहता है। इस ठग महिला ने पहली बार ऐसी वारदात को अंजाम नहीं दिया। ये और इसके पति मिलकर पहले भी इस तरह की लूट को अंजाम दे चुके हैं, लेकिन इस बार यूपी पुलिस की मुस्तैदी से इन्हें धर दबोचा गया। वीडियो डेस्क, अमर उजाला टीवी, मुरादाबाद।